दोस्तों ये रीत है कि हमें जमाने के साथ चलना पड़ता है, अगर जमाना आगे को बढ़ रहा है तो हम पीछे क्यों रुके। इसी को देखते हुए आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने पुराने जमाने की टीवी को बदलकर एक नए जमाने का स्मार्ट टीवी या एंड्रॉइड टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं। कई तो ले भी चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो कि शायद ऐसी कुछ वीडियोस का इंतजार करते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा तरीका आ जाए कि उनका पुराने जमाने का टीवी ही जो है वो स्मार्ट बन जाए और उनको महंगा टीवी ना खरीदना पड़े। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आपका नॉर्मल टीवी जो भी आपके घर में अभी लगा हुआ है वही स्मार्ट बन जाएगा। उसके अंदर ही आप आराम से सभी अपने मनपसंद OTT ऐप्स जैसे कि YouTube, Prime Video, Netflix जैसे तमाम एप्लीकेशंस को यूज कर सकेंगे और उसके लिए आपको अपने टीवी को बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही नहीं, इसमें जहां आपको एक तरफ OTT ऐप्स जैसा कंटेंट भी देखने को मिल पाएगा तो वही आपके जो टीवी चैनल्स है जो कि नॉर्मली हम दिनचर्या में देखते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन आपके लिए हम लेकर आए हैं वो रहने वाला है एयरटेल डिजिटल टीवी की ओर से। जी हाँ, एयरटेल डिजिटल टीवी की ओर से एक ऐसा सेटअप बॉक्स मार्केट में उपलब्ध है जिसके अंदर आपको एक तरफ 500 से भी ज्यादा टेलीविजन चैनल्स मिल जाएंगे, दूसरी ओर इनका एक स्मार्ट बॉक्स भी आता है जिसका नाम है एयरटेल एक्सट्रीम, जिसको भी हाल ही में नया नाम दे दिया गया है और वो हो गया है एक्सट्रीम टीवी। और इसी बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको सभी तमाम OTT एप्स को भी चलाने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको एंड्रॉइड 11 या 12 के साथ अवेलेबल मार्केट में हो गया है। अब दोस्तों जो नई जनरेशन हमारे बीच इस बॉक्स की आ गई है उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, और सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर भी ले जाऊंगा जिसमें आपको मैं इसका तमाम यूजर इंटरफेस भी दिखाऊंगा कि आखिर जैसे इस बॉक्स को आप कनेक्ट करेंगे या लगाएंगे अपने टीवी से तो किस तरीके का यूजर इंटरफेस आपके स्क्रीन पर आएगा, टीवी चैनल्स कौन कौन से इसमें आपको मिल जाते हैं, कौन कौन से ऐप्स मिलेंगे, गूगल प्ले स्टोर इसमें आपको मिल जाएगा बकायदा, इवन वाईफाई हो गया ड्यूल बैंड वाला वो इसमें अवेलेबल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी अगर किसी को सराउंड साउंड सिस्टम बनाना हो या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आपको एयरबड्स या हेडफोन लगाने हो तो वो भी आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार और कमाल का बॉक्स है और आपका नॉमिनल कॉस्ट में बॉक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाता है और आपको इसके लिए टीवी भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास किसी भी तरह का कोई भी टीवी हो, चाहे पुराने जमाने का डब्बा टीवी भी क्यों ना हो, वो भी आपके ये एंड्रॉइड टीवी में डाल देगा। तो देरी किस चीज की है, फटाफट से छोटी सी इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और उसके बाद आपको टीवी स्क्रीन की और इसका मेन जो स्पेसिफिकेशन है यूजर इंटरफेस है वो दिखा देता हूँ। चैनल पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो दोस्तों कुछ नए तरीके का सेट ऑफ बॉक्स आप सामने देख सकते हो, बॉक्स का जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट हो गया है, छोटा हो गया है और सामने आपको एक्सट्रीम टीवी की ब्रांडिंग 4K HDMI और Dolby Atmos की जो है ब्रांडिंग मिलेगी। साइड प्रोफाइल की बात करें दोस्तों सिंपल रहेगा और इस साइड भी आपको सिंपल रहेगा, वेंटिलेशन की कोई भी प्रोविजन साइड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं बैक प्रोफाइल की तो बैक प्रोफाइल में दोस्तों आप देख सकते हो उसमें आपको सेट इन ऑडियो वीडियो के पोर्ट साथ में HDMI का पोर्ट और आपको यहाँ पर DC अडेप्टर का जो है पोर्ट मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों एक छोटा सा आपको रीसेट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ की जो कमी है वो यहाँ पे महसूस हुई है कि इसके पीछे आपको ऑप्टिकल फाइबर का ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही डायरेक्टली आपको इंटरनेट केबल कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि दो जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे रिमूव हो गए हैं बॉक्स में से, जो कि काफ़ी बुरी बात है। यानी साइज़ तो कॉम्पैक्ट कर दिया है कंपनी ने, लेकिन दो जो मेजर फीचर्स थे बॉक्स के जो ऑप्शन थे वो यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। बाकी बात करते हैं रिमोट कंट्रोल की, तो कुछ इस तरीके का रिमोट कंट्रोल रहेगा, जैसे कि आपका रिमोट कंट्रोल दोस्तों पहले देखने को मिलता था वैसे ही कुछ आपको मिलेगा अभी भी, वही डेडिकेटेड ऑप्शंस हैं, वही गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन है, होम बटन है, इसके अलावा म्यूट का नीचे आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे जो है पहले एयरटेल एक्सट्रीम की ब्रांडिंग होती थी लेकिन अब एक्सट्रीम टीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके अपर बॉक्स की तो कुछ इस तरीके का जो बॉक्स दोस्तों सामने आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो भी डेडिकेटेड ऐप्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी रखी है, गूगल प्ले स्टोर इसमें आपको इनबिल्ट मिल जाता है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, एक्सट्रीम प्ले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों बाकी जो बैक प्रोफाइल है इसमें भी कुछ आपको क्रोमकास्ट बिल्ड इन 4K ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी सब कुछ जो इन्फॉर्म किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को हम टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका यूजर इंटरफेस हमें किस तरीके से मिलने वाला है। दोस्तों हमने जो है अपने सेट ऑफ बॉक्स को ऑन कर लिया है और यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको इनिशियलाइजिंग देखने को मिलेगा और कुछ सेकंड से दोस्तों प्रोसेस रहती है आपके सेट ऑफ बॉक्स को प्रॉपरली लोड लेने में। तो इसको जो है दोस्तों आप दो सूरतों में कनेक्ट कर सकते हो, या तो HDMI केबल से या फिर ऑडियो वीडियो केबल से, दोनों ही आपको पोर्ट से यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सट्रीम टीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा और आपको एंड्रॉइड टीवी की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जिसके पास एक नॉर्मल साधारण टीवी है
नॉर्मल LCD टीवी है जिसका एंड्रॉयड का सब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए बॉक्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। वो इसको एक स्मार्ट टीवी बना सकता है, एंड्रॉयड टीवी बना सकता है, और साथ ही में टेलीविजन चैनल्स जो भी हम देखते हैं रेगुलरली वो डेली बेसिस पर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक्सट्रीम टीवी की ब्रांडिंग एक बार फिर से देखने को मिलेगी, और यहाँ पर दोस्तों एक बार जो हमारी लोडिंग स्क्रीन है वो यहाँ पर अपडेट हो रही है। देखिए दोस्तों नॉर्मली इन बॉक्सेस में जो है इतना प्रोसेस आपको थोड़ा सा लगता ही है, करीबन 1 से 2 मिनट जो है ये आराम से लेती हैं प्रॉपर वे में शुरू होने के लिए। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारी सर्विस अब लोड हो चुकी है, और यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि हमें एक्सट्रीम टीवी का लोगो देखने को मिलेगा, जबकि पहले हमारे लिए यहाँ पर एयरटेल का लोगो आया करता था। तो कंपनी ने दोस्तों स्पेसिफिकली एयरटेल को जो है एक नया नाम एक्सट्रीम टीवी दे दिया है, जो कि इनका खासकर एंड्रॉयड बॉक्सेस के लिए रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो अभी सामने आप देख रहे हैं ये इनकी होम स्क्रीन है, और होम स्क्रीन के अंदर जो भी कंटेंट होगा दोस्तों वो लोड लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और इसके अलावा दोस्तों डिपेंड भी करेगा आपका जो इसका इंटरनेट स्पीड है, जो भी अब इसमें वाईफाई कनेक्टिविटी देंगे वो कितनी फास्ट है कितनी स्लो है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका जो यूज़र इंटरफेस है आपके सामने लोडिंग ले रहा है वन बाय वन। ऊपर की ओर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों सर्च आइकन मिल जाएगा, जिस पर आप रेगुलरली जो भी कंटेंट सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको होम का ऑप्शन मिल जाता है, टीवी चैनल्स का ऑप्शन मिल जाता है, इवन आपको मूवी शोज एप्स माई स्टोर जैसे कई तमाम आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों कॉर्नर साइड पर आप देखेंगे तो आपको जो है वाईफाई का कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपको ड्यूल बैंड रहेगा 2.4 और 5G। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन का और सेटिंग्स का ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पर। तो जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि यहाँ पर सर्च आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर कुछ भी कंटेंट जो भी आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टीवी चैनल्स ऑप्शन में आ जाते हैं तो टीवी चैनल्स ऑप्शन के अंदर आपको सारे जितने भी टेलीविजन चैनल्स हैं जो कि एयरटेल डिजिटल टीवी पर अवेलेबल हैं उसे यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपके सामने है दोस्तों लोडिंग ले रहा है कॉन्टेंट, तो जो भी आप प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं उसका कॉन्टेंट भी यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी टेलीविजन चैनल्स देखना चाहें वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी पसंद से। 500+ चैनल्स से दोस्तों इसमें अवेलेबिलिटी है। इवन अगर हम होम ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको डेडिकेटेड ऐप्स देखने को मिल जाएंगे जो भी इनके सपोर्ट में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी एक्सट्रीम के अंदर कंटेंट अवेलेबल है दोस्तों उसे भी यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, सीधा OTT के साथ इनका लिंक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो है मॉनसून स्पेशल के नाम से इन्होंने या फिर अलग अलग जो है कैटेगरीज के हिसाब से आपके लिए यहाँ पर कॉन्टेंट तैयार करके रखा हुआ है। होम पेज के साथ ही दोस्तों कुछ रेगुलरली न्यूज़ चैनल जो लोग काफ़ी देख रहे हैं या टेलीविजन चैनल काफ़ी एक्सेस कर रहे हैं वो यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको मूवीज़ का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आपके तो सबसे पहले सर्विस चैनल से आ जाएंगे, जितने भी सर्विस चैनल्स एयरटेल पे अवेलेबल हैं दोस्तों उनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, और इसके अलावा जो भी आपके OTT ऐप्स पर कंटेंट अवेलेबल है दोस्तों उसे आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी मूवीज़ दोस्तों उनकी रिकमेंडेड है इनकी ओर से हमारे लिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी कंटेंट है दोस्तों यहाँ पर जो है आप एक्सेस कर सकते हो वन बाय वन। थोड़ा सा आपको लैगिंग इशू जरूर महसूस होगा, आपके तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है और कितना स्लो है। इसके अलावा दोस्तों शोज़ के भी आपको अलग से कैटेगरी मिल जाएगी, अगर आप कोई मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स या शोज़ देखते हैं या OTT सीरीज़ देखते हैं तो वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको डेडिकेटेड ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे सारे के सारे जो भी ऐप्स आपके बॉक्स में इंस्टॉल्ड हैं उससे भी आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कोई भी नया एप्लीकेशन यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एक्सट्रीम प्ले और डिजनी प्लस हॉटस्टार दिखाया जा रहा है। इसके अलावा Z5 शो हो रहा है, और इसके अलावा दोस्तों जो भी गूगल ऐप्स हैं जैसे कि आपका गूगल प्ले स्टोर है हमारे लिए यहाँ पर, और गूगल प्ले मूवीज़ है, यूट्यूब है, यूट्यूब म्यूज़िक है, गूगल प्ले गेम्स है, और यूट्यूब किड्स है। कुछ डेडिकेटेड ऐप्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर शो किए गए हैं, उन्हें यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप कोई भी नया एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें आपको अपने Gmail ID का लिंक देना होगा दोस्तों। उसके अलावा आपको एक माई स्टोर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपके डेली बेसिस का डाटा रहेगा कि कौन सा प्लान आप यूज़ कर रहे हैं, कितना मंथली चार्ज है उसका। इसके अलावा दोस्तों आपको वाईफाई का कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ से आप डायरेक्टली दोस्तों 5G या 2G जो भी आपका वाईफाई कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आप इसे दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन का आपका आइकन मिल जाएगा और सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और इसके अलावा माई स्टोर में आपको मैंने बताया दिया कि कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं वो बताएगा,
इसलिए दोस्तों आपको हेल्प वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी अगर आपको इनके कस्टमर केयर से संपर्क करना है। रिचार्ज ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों पर्सनलाइजेशन में अपने जो कंटेंट लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज मातृभाषा है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। फेवरेट्स का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, आप अपने फेवरेट्स ना लिस्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। मूवीज़ स्पोर्ट्स अलग कैटेगरीज में, वाईफाई कनेक्टिविटी आ गई, ब्लूटूथ दोस्तों उसके अंदर आपको मिल जाएगा, आईपी एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड्रॉइड सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड्रॉइड सेटिंग्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो आपको मैं डिवाइस प्रेफरेंसेस में दिखा देता हूँ अबाउट सेक्शन में जाके कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्या क्या सर्विसेज दी गई हैं। तो एंड्रॉइड 11 दोस्तों इसके अंदर जो है आपको एंड्रॉइड 11 अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टोरेज कितनी कंपनी की ओर से आपको दी गई है। तो स्टोरेज पर हम जैसे ही आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 4.4 GB की टोटल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी आपके ऐप्स और बाकी कॉन्टैक्ट के लिए। यहाँ पर रिमोट एंड एक्सेसरीज का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे सकते हैं अपने डिवाइस के साथ। बाकी दोस्तों यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल, एक्सेप्ट रेशो, रिकॉर्डिंग के फीचर्स आपको दिए गए हैं, ड्यूरेशन टाइम आउट यहाँ पर सेट कर सकते हैं आप, ऑडियो और सब टाइटल का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आप पिन को चेंज कर सकते हैं या रजिस्टर डिवाइस का भी आपको टैक्ट के ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको सिस्टम डायग्नोस्टिक्स का पता चल जाएगा, सैटेलाइट स्कैन ऑप्शन मिल जाएगा, एप्लीकेशन रीसेट या चैनल रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी चैनल का जो बार है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर, कुछ इस तरीके से दोस्तों आपके जो चैनल से वो वर्क करते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो यूज़र इंटरफेस है वो आपके बॉक्स में रहता है कुछ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, इस बॉक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें आपको मंथली रिचार्ज कराना कंपलसरी है, तभी आप इसमें टीवी चैनल्स और OTT सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हो, जितने भी OTT ऐप्स हैं वो तभी चलेंगे। अगर आप इसमें रिचार्ज नहीं करवाएंगे तब कोई भी कंटेंट एक्सेस नहीं कर सकते, वो आपका बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें रिमोट के अंदर जैसे कि आपको पता है यूट्यूब का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यूट्यूब जैसे हम प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे बता रहा है कि हमारा अकाउंट सस्पेंडेड हो गया है, तो हमें पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा तभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसके बिना हम यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये कुछ ऑप्शन है दोस्तों इस बॉक्स के अंदर, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको लैग में इशू होगा, छोटा मोटा आपको लैग महसूस हो सकता है। बाकी इनके कुछ बंडल प्लान्स भी आते हैं जो कि यहाँ पर हम डायरेक्टली ले सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।